रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेमेस्टर वन का पेपर वन पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश में देखेंगे। ये पेपर 2022-23 का है। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब इसमें बताया गया कि एजुकेशन का जो एम होता है उसके दो टाइप प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। और ये दोनों चीज जब लागू होता है थ्योरेटिकली अगर चीजों को हम ग्रहण करते हैं या फिर प्रैक्टिकली, ये एजुकेशन की फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन ग्रहण करना होता है। उसके अंतर्गत कई मेथड्स, प्रिंसिपल्स और बहुत सारे मीनिंग देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? एक्सियोलॉजी फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज, एथिक्स और एजुकेशनल प्रोसेस में वो कार्य करने वाला होता है। और जो वैल्यूज होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे गोल और हमारे एजुकेशन के आउटकम को सेव करने में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मेटाफिजिकल व्यू है जो कि सच्चाई को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के द्वारा चीजों को प्रदर्शित करता है, ताकि मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स में वो लीन रहता है। वो मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स को फोकस करता है और मेटेरियल एग्जिस्टेंस को वो डिनाई करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4th, कि स्वामी विवेकानंद के माध्यम से एजुकेशन का फिलॉसफी क्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो एजुकेशन का फिलॉसफी है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स बेस्ड है। वो पूरे इंडियंस को एक ही चीज बताना चाहते थे, ऑफ सिंथेसिस, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल हार्मनी। उनके हिसाब से यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे बेहतरीन चीज है और सबसे सही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं। सोशल चेंज का मतलब ये होता है कि समय जब बीतता है तो ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, या तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया, ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप हो गया, बिहेवियर हो गया, कल्चर हो गया, सब में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और ये चेंजेस कल्चरल और सोशल इंस्टीट्यूशन को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन होता है जो कि पूरे राष्ट्र को यूनाइट करके चलने वाली जहाँ पे बात आती है वो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी होता है जिसमें हम एक अंडरस्टैंडिंग अदर कंट्रीज से बनाते हैं, ताकि हमारा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो वो डेवलप हो, एम्पैथी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, यही इंटरनेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से आप क्या समझते हैं। सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया है ताकि जो पेट्रोटिज्म का स्पिरिट है उसे इंसान मेंटेन कर सके, उसको अपहोल्ड करके पूरे देश को यूनाइट कर सके। ये ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के सेक्शन ए में विधिवत रूप से दिया है। और इस फंडामेंटल ड्यूटीज का फोकस हर एक देश के नागरिक पे रहता है कि जो लोग इस देश में रहते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ऐसे ही नहीं है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ता है बस भाई, नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही मतलब तब होता है जब पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब रिड्यूस होने लगे। और ये सब जब रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली हम सभी को ये समझ में आएगा कि हमारा जो देश है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो। 9th क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? एक तरह से देख लें तो कल्चर वे ऑफ लिविंग है, जो सोसाइटी में जिस तरीके से लोग रहते हैं, उनका जो बिलीव होता है, उनका जो आइडिया होता है, जो ट्रेडिशन और कस्टम होता है, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ये सब कल्चर में आता है। और ये जो कल्चर है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमेशा चलता रहता है। एक तरह से इसे हम लोग डिजाइन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। शॉर्ट आंसर का लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने अभी कल्चर के बारे में बताया जो कि आइडिया, कस्टम, सोशल आउटलुक किसी एक पार्टिकुलर सोसाइटी को दर्शाता हो, लेकिन जो सिविलाइजेशन है उसको हम लोग फिजिकल फॉर्म में समझ पाते हैं। उसका माध्यम आर्ट्स, लिटरेचर, लाइफ पैटर्न और आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ब्रॉड एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन का मीनिंग ब्रॉडली भी बताना है और नैरो भी बताना है, या फिर इसमें ऑप्शन है। ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये 15 नंबर के आते हैं, तो इसमें और का ऑप्शन देता है, कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको समझ में आता हो। और करके तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट उपनिषद एजुकेशनल फिलॉसफी। तो उपनिषद एजुकेशनल फिलॉसफी को इवैल्यूएट करके लिखना है, या तो एजुकेशन को ब्रॉड टर्म या फिर नैरो टर्म में एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। अब एजुकेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला नैरो, दूसरा ब्रॉड। जो नैरो है वो प्री स्कूल एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, जो कि हम लोग एक प्रॉपर एरिया में जाके चीजों को ग्रहण करते हैं। लेकिन ब्रॉड की बात करें तो हम लोग अंतिम समय तक चीजों को सीखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इंसान जब अपने सोसाइटी में रह के
करके या फिर कहीं भी रह के चीजों को विजुअलाइज करके सीखता है वो होता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उसमें किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई एज का बैरियर नहीं होता है, ना क्लास का बैरियर होता है, ना सेक्स, ना टाइम, ना ही प्लेस। वो चीजों को देख के एक्सपीरियंस करके सीखा जाता है। यहाँ तक कि एक वृद्ध व्यक्ति भी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जाते जाते बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो सीखना कभी बंद नहीं होता, यही एजुकेशन का मतलब है ब्रॉड टर्म में। लेकिन अगर वही नैरो टर्म की बात करें तो नैरो में प्री प्राइमरी स्कूल की बात कर लें, हायर स्कूल की बात कर लें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ना एक एज निर्धारित होता है, क्लास निर्धारित होता है, टाइम निर्धारित होता है और प्लेस भी निर्धारित होता है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर उपनिषद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो इंडियन सेज थे, जो भारतीय साधु संत महात्मा जो थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में उपनिषद ओरली कंपोज किया। हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने इसका अनुपालन किया और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि मैक्स मुल्लर से लेके जर्मन इंडोलॉजिस्ट भी वो सब इस उपनिषद को पढ़े, गाए और इसको बहुत ज्यादा प्रेज किए। बाकी आंसर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियलिज्म? रियलिज्म से आप क्या समझते हैं? रियलिज्म के अनुसार एजुकेशन का एम क्या है? या फिर क्वेश्चन नंबर फाइव, महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज डिस्कस विद कंक्रीट एग्जांपल। एग्जांपल के साथ महात्मा गांधी का फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बताना है। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों में से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म मतलब सच्चाई। जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो उस सच की बात करते हैं। ये एक ऐसा फिलोसफी है जो कि आइडिया और स्पिरिचुअल थिंग के थॉट से बहुत दूर है, क्योंकि रियलिज्म का जो मतलब होता है वो होता है रियल, जो एक्चुअल होता है या फिर जो एग्जिस्ट करता है। और एजुकेशन का एम रियलिज्म के अनुसार क्या है, ये चीज देखेंगे कि हम सभी को ट्रुथ पढ़ाना चाहिए, सच्चाई पढ़ाना चाहिए, ना कि उसका सौंदर्य। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ को समझना है तो सत्य को समझना होगा, और सत्य समझेंगे तभी जाके हम अपने प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाएंगे। और जो सोशल रियलिस्ट हैं, उन लोगों का भी मानना यही है कि हमें इंसान को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जो कि आने वाले समय में प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने जाए। और जो साइंस रियलिस्ट है, उनका मानना है कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल बेसिस पे कंडक्ट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का। इसमें गांधी जी ने बहुत सारी चीजें बताई है, गांधी जी के बारे में हम सब लोग पढ़े हैं, तो उनके हिसाब से एजुकेशन यूनिक होना चाहिए। और उनका मानना है कि जो एजुकेशन है वो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के एसेंशियल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो कॉलोनियल सिस्टम है और उसका जो एजुकेशन है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि हमारे देश के लिए ये बहुत हार्मफुल है। उन्होंने कॉलोनियल सिस्टम के बारे में बताया कि उन लोगों का फॉरेन कल्चर था जो कि लोकल कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। महात्मा गांधी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में बताते हैं कि ये जो कॉलोनियल रूल करने वाले ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने एजुकेशन को एकदम लिमिटेड कर दिया, और जो कल्चर और एजुकेशन हमारे यहाँ था, एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड हैंड, इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि जो ये राइट एजुकेशन है वो फॉरेन लैंग्वेज के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उनका मानना था कि हमें अलग तरीके से अपनी थिंकिंग करनी चाहिए जो कि हमें अपने भाषा में ही समझ आ सकता है कि वे ऑफ लिविंग क्या है और किस तरीके से हमें रहना चाहिए। और हृदय से वो आइडियलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। उनका मानना ये था कि जो वो आइडियल्स लेके चलते हैं, जो वो वैल्यू लेके चलते हैं, उसको प्रैक्टिस में भी लाना होगा। उनका जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन था वो तीन चीजों पे बेस्ड था, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। जो आइडियलिज्म है गांधी के फिलॉसफी पे बेस्ड है, और जो नेचुरलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है ये उस फिलॉसफी को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस में लाने के लिए है। और गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार हम जानते हैं वो है आइडियल ट्रुथ, नॉन वायलेंस, मॉरल वैल्यू, जिसके वजह से हम सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। वो नेचुरलिज्म के डिवोटी हैं क्योंकि वो बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों के नेचर को देखना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, और अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट उसमें किया जा सकता है। वो प्रैग्मेटिस्ट तब बन जाते हैं जब वो लर्निंग एडवोकेट करते हैं और उस एडवोकेशन में चीजों को एक्सपीरियंस भी करते हैं, और ये सब मिलके इंटीग्रेशन तक पहुंचता है, और इसके वजह से एजुकेशन इफेक्टिव हो जाता है और जो टोटल पर्सनालिटी होता है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि सोशल मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं, और ये सोशल मोबिलिटी में एजुकेशन का रोल क्या है? सोशल मोबिलिटी एक मूवमेंट है इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज की, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। लेकिन अगर बात करें सोशल मोबिलिटी में रोल ऑफ एजुकेशन का, तो ये सोसाइटी को हेल्दी बनाता है। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को डिसिप्लिन बनाता है, सोसाइटी डिसिप्लिन होती है। और इसमें ये माना जाता है कि अगर एजुकेशन है तो जो भी फुलफिलमेंट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो कि सोसाइटी में क्रिएट होता है वो सब फुलफिल हो जाता है। ये एजुकेशन, वैल्यूज, कल्चर और जितने भी इफेक्टिव
चीजें हैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डेवलप करता है। सेकंड क्वेश्चन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में सबको पता होगा, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और डेमोक्रेसी के डेवलप होने में एजुकेशन का किस प्रकार का रोल है, तो आइए वो हम देखेंगे। अब डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि फ्रीडम या फिर गवर्नमेंट का एक सिस्टम जिसमें कि पावर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके हाथों में होता है या फिर गवर्नमेंट के पास होता है। इसमें एजुकेशन का रोल क्या होता है कि वो सिविक नॉलेज को प्रमोट करता है। दूसरा जो है क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देता है। तीसरा है वैल्यूज एंड एथिक्स, इसमें हमको डेवलपमेंट दिखाई देता है। एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, किस तरीके से बढ़ चढ़ के इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वोट करता है, जब वो एजुकेटेड होता है, चीजों को समझता है तब। सोशल कोहेशंस को खत्म करता है, जो डिस्प्यूट होते हैं उसको खत्म करता है, शांति स्थापित करने का प्रयास करता है, और ये तब पॉसिबल होता है जब व्यक्ति एजुकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग में एजुकेशन का क्या रोल होता है। एजुकेशनल प्लानिंग जो होता है वो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होता है सोसाइटी, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले प्लानिंग बहुत आवश्यक होता है, और वैसे ही एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग बहुत आवश्यक है। अगर एजुकेशनल प्लानिंग देखा जाए तो उसमें ये चीज होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप उसे बेहतरीन तरीके से यूज करें। हम देखेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग में एजुकेशन का रोल क्या होता है। 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, टू मेक एवरी प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ग्रैंड सक्सेस। कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, वहां पे सक्सेस प्रदान करने वाला काम एजुकेशनल प्लानिंग के माध्यम से हो जाता है। जो प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग होता है वो टाइम का बचत भी करता है, इफोर्ट भी कम लगता है, मनी भी कम लगता है, क्योंकि हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान होता है। जैसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो अगर प्लानिंग बहुत बेहतरीन रहा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। एजुकेशनल प्लानिंग ये होता है जिसमें कि किसी प्रकार का कोई फेलियर हुआ जो उसको भी वो मैनेज करके बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आखिर में वैल्यू एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है जो हमारे मोरल को सही करता है, पॉलिटिकल वैल्यूज को सही करता है, हमको स्किल्स बताता है, और जब ये सारी चीजें हमें पता चलती है तो हम डेवलप होने लगते हैं। और ये स्पेशली वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स को दिया जाता है ताकि उन्हें समझ में आए कि अपने सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से एक्टिविटी करना है। वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है कि इंसान किस तरीके से डिसिप्लिन हो सकता है, किस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी चीज के बारे में वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, बड़े और छोटे का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बताता है। जिस एजुकेशन में वो एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन कहलाता है। और फाइनली यहाँ पे आपका 2022-23 का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।